सदन बहुत कम दिनों के लिए बुलाया गया था। मुद्दे और समस्याएं जनता के बहुत सारे हैं। बात कुछ भी सरकार कर ले, लेकिन किसानों के मुद्दे पर भागी, बेरोजगारी के मुद्दे पर भागी, शिक्षा मित्र के मुद्दे पर भागी, तदर शिक्षा शिक्षकों के मुद्दे पर भागी, बेरोजगारी के मुद्दे पर भागी और महंगाई के मुद्दे पर भागी। कोई जवाब सरकार ने, समुचित कोई जवाब जनता के हित में नहीं दिया। ये अफसोस है। हम लोग चुन करके, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज़ बन करके जनता की बात उठाए। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव सदैव किसान, गरीब, नौजवान, पिछड़े, दलितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी बात को उठाते हैं। अफसोस ये है कि सरकार केवल हटो और बचो का काम कर रही है। आज नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश की जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, किसान की समस्या हो, गरीब की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो और महंगाई की समस्या हो, इस पर सदन में अपनी बात रखेंगे। विधान परिषद में सरकार का जवाब आया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, वो केंद्र सरकार। ये दुखद है। जाति जनगणना आज देश की जरूरत है। सामाजिक समरसता और समता, और सबको ये मालूम हो जाए कि हमारी संख्या क्या है, तो हमें लगता है कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या दूर होगी। और आर्थिक विकास के लिए, व्यक्ति के शैक्षिक विकास के लिए, उसके व्यवसायिक विकास के लिए जरूरी है कि आर्थिक जनगणना की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।